दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आने के बाद अभी भी गेम फंसा हुआ है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने का लगातार दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि कुछ दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि बिहार की 16 और सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, यानी कि बिहार की 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर फिर से चुनाव होगा। कौन कौन सी वो सीटें हैं, चलिए हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में उन्होंने काउंटिंग करवाई है, उसमें कई सीट ऐसी हैं जहां पर उन्होंने झोल करवाया है, और इसी के चलते तेजस्वी यादव ने अपने 21 विधायकों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर फिर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में हारे दिग्गजों की नजर अब विधान परिषद की खाली 16 सीटों पर टिकी हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के नेताओं को सर्वाधिक उम्मीद है कि राज्यसभा कोटे की भी एक सीट खाली है। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ना रहने से खाली हुई है। भाजपा के कई दिग्गजों की नजर इस सीट पर भी टिकी हुई है। 13 सीटों पर मनोनयन के जरिए होना है फैसला, यानी कि विधायक चुनेंगे। विधान परिषद की जो सीटें खाली हैं उनमें से 13 सीटें सीधे मनोनयन वाली हैं, 3 सीट स्थानीय प्राधिकार कोटे की भी खाली हैं, और इस पर अब चुनाव होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन 16 सीटों में से किसके खातों में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में इन 16 सीटों का चुनाव विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा कांटे का होने जा रहा है। जहां एक तरफ एनडीए पूरी ताकत झोंक दे रहा है इसमें से ज्यादा सीटें जीतने की, वहीं जो है महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है। 3 सीटें तो बीजेपी के खाते में आराम से जा सकती हैं, लेकिन अन्य सीटों पर उसको कांटे की टक्कर महागठबंधन देने जा रहा है। आपके हिसाब से किसको कितनी सीटें जाएंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।